अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं लैसको यानी कि लाहौर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले हम पोस्ट चेक कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और उनकी तादाद कितनी है। तो पहले नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसकी 36 वैकेंसीज हैं। दूसरे नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज, इसकी 20 वैकेंसीज हैं। तीसरे नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, इसकी 8 वैकेंसीज हैं। चौथे नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, इसकी 6 वैकेंसीज हैं। पाँचवें नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर HR, इसकी भी 6 वैकेंसीज हैं। छठे नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर फील्ड स्टोर, इसकी भी 11 वैकेंसीज हैं। सातवें नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर HR IS, इसकी 1 वैकेंसी है। आठवें नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, इसकी 1 वैकेंसी है। नौवें नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी 2 वैकेंसीज हैं। दसवें नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर ERP टेक्नो फंक्शनल, इसकी 5 वैकेंसीज हैं। ग्यारहवें नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर प्रोसेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इसकी 2 वैकेंसीज हैं। बारहवें नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी 1 वैकेंसी है। तेरहवें नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी 1 वैकेंसी है। चौदहवें नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर प्रोसेस डेफिशिएंसी मॉनिटरिंग, इसकी 1 वैकेंसी है। पंद्रहवें नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर IT ऑडिट, इसकी 2 वैकेंसीज हैं। सोलहवें नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर IT सिस्टम ऑपरेशन, इसकी 4 वैकेंसीज हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह किया जाएगा। तो दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने OTS की वेबसाइट खोली हुई है, ओपन की हुई है। तो जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो हमें 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या है ऑफलाइन लिखा हुआ है, और नीचे वाले में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड ऑनलाइन। ऑफलाइन वाले पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑफलाइन चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर अप्लाई में पोस्टें बताई गई हैं, डिस्क्रिप्शन में अप्लाई कैन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया है, रिक्वायरमेंट टेस्ट बताया गया, टाइप है ये, और लास्ट डेट बताई गई है। तो मैं पहले ही पोस्ट पे अप्लाई करता हूँ, वी पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर डायलॉग बॉक्स में एडवर्टाइजमेंट वी एड आ गया, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो आपके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये इस तरह का फॉर्म डाउनलोड होगा, आप इसका प्रिंट लेंगे, इसको ऑनलाइन नहीं कह सकते सॉरी, इसको आप हार्ड में फिल करेंगे, और ये इंस्ट्रक्शन भी लिखी गई है, ये आप सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा फिल करने से पहले। और नीचे ये बैंक फीस जमा करवाने के लिए चालान फॉर्म जमा दिए गए हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, सिर्फ 80 रुपये इसकी फ़ीस है टेस्टिंग की। तो ये आप इसको फिल करने के बाद, ये अंडरटेकिंग एप्लीकेशन भी है, ये आप साइन करेंगे और इस पर अपना लेफ्ट थंब भी लगाएंगे। और फिल करने के बाद, फीस जमा करवाने के बाद, आपने जो OTS कापी है अपने डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है और इसको सेंड कर देनी है मैनेजर ऑपरेशन लैसको ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू फेज 6 बहरिया टाउन इस्लामाबाद पे। फ़ोन नंबर हेल्पलाइन दिया गया है, ईमेल भी दी गई है, वेबसाइट भी दी गई है। तो अभी हम चलते हैं ऑनलाइन वाले सिस्टम पे, ये था ऑफलाइन सिस्टम। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने ऑनलाइन वाले व्यू पे। मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो ये आ चुका है, इसमें हम ऑनलाइन अप्लाई करना का तरीका देखेंगे। तो मैं पहली पोस्ट पे व्यू पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपकी ये न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप तो पहले रजिस्टर हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दिस फॉर्म इज़ फॉर न्यू एप्लीकेशन एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन लॉग इन टू योर अकाउंट। अगर आप नए
फॉर्म फिल कर लें। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो इधर से आप लॉग इन कर लें। तो ये अप्लाई करने का जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका जो है, ये एक मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं।